नमस्ते, डीएम कंप्यूटर यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ट्यूटोरियल एचटीएमएल का रहने वाला है। यह ट्यूटोरियल पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोनों ही वीडियो में हमने बताया है कि एचटीएमएल को किस तरह से तैयार किया जाता है और टाइटल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग के अंदर क्या लिखा जाता है, एचटीएमएल को किस प्रकार सेव किया जाता है और इसका आउटपुट देखने के लिए आपको ब्राउज़र पर जाना होता है, वह कैसे जाते हैं, यह सब आप जान सकते हैं पिछले वीडियो से। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कुछ नए टैग, जिन टैग के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी एचटीएमएल पेज पर टेक्स्ट को किस तरह से बड़ा बनाया जाता है और छोटा बनाया जाता है, यानी हम यहाँ पर बिग टैग और स्मॉल टैग का यूज़ करने वाले हैं। बिग टैग और स्मॉल टैग के लिए आपको क्या करना होता है, यही आज हम जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हमें यहाँ पर नोटपैड की विंडो पर हम आ चुके हैं और मैं आपको दिखा दूँ कि हमने अभी तक जो वर्क किया था वह कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम नोटपैड पर चलते हैं और यहाँ कुछ चेंज आउट करके देखेंगे। जैसा कि हमने बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन लिखा हुआ है, वहाँ पर हम कुछ नए टैग का यूज़ करने वाले हैं। BR टैग लगाकर हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ नया टैग, जैसे कि पैराग्राफ टैग के अंदर हम अगर किसी नाम को यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसा कि हमने एक नाम लिया यहाँ पर डाउनलोड, और यह डाउनलोड नेम को हमें आउटपुट में दिखाने के लिए इसे बड़ा बनाना होगा, तो हमें यहाँ पर अभी मैं आपको इसे आउटपुट के रूप में दिखाता हूँ कि यह किस तरह से देखने को मिल रहा है। फाइल को रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करते ही हमारे सामने लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले ऑप्शनों के नीचे ही डाउनलोड लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं हमें बिग टैग का यूज़ करना है और बिग टैग का यूज़ करने से यह बिग को ओपनिंग टैग भी देना है और क्लोजिंग टैग भी देना है, और इस फाइल को आप सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप जाइए आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर वाली फ़ाइल पर और यहाँ पर इसे आप रिफ़्रेश कीजिए और आप देखेंगे कि डाउनलोड जो लिखा हुआ था उसकी साइज़ एक साइज़ से ज़्यादा हो चुकी है। इस तरह से हम बिग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और इसी जगह पर हम स्मॉल ऑप्शन का भी यूज़ कर देखने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर PR दे देता हूँ और यहाँ पर हम दे देते हैं सबमिट बटन, इसे हम स्मॉल बना देते हैं और स्मॉल टैग का यूज़ यहाँ पर हम कर देते हैं और स्मॉल टैग को आप बंद भी कीजिएगा और सेव कीजिए फाइल को। कंट्रोल S बटन आप यहां पर दबा सकते हैं कीबोर्ड से और आप जाइए आपकी फ़ाइल पर, इसे आप F5 बटन के साथ रिफ़्रेश कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शनों से हमें सबमिट नेम बहुत ही छोटा देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि HTML फाइल के अंदर बिग और स्मॉल टैग का किस प्रकार उपयोग किया जाए। आगे भी हम इसी तरह से कुछ और टैग का यूज़ करना देखेंगे। इसके लिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।